नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल मिथिका में, जहां मैं आप लोगों को ऐसी नई नई कहानियां सुनाती हूं जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। ग्रीक मिथोलॉजी में सेलेने को चांद की देवी माना जाता है। वो हाइपेरियन और थिया की बेटी है और उनके भाई का नाम है हेलियोस, जो सूर्य के देवता है। हेलियोस दिन के उजाले में धरती पर शासन करते हैं और सेलेने रात को। जो गॉडेस निक्स को पूजते हैं, वो गॉडेस सेलेने की भी पूजा करते हैं। एक बार की बात है जब सेलेने को एक सोया हुआ नौजवान चरवाहा दिखा। उसे देखते ही सेलेने को उससे प्यार हो गया, मगर उन्हें पता था कि एक देवी और एक इंसान के प्यार का कोई भविष्य नहीं है। वक्त के साथ ये नष्ट हो जाएगा। उसे हमेशा हमेशा के लिए अपना बनाने के लिए सेलेने ने उसकी नींद को अपने जादू से बरकरार रखा। जादुई नींद में रहने के कारण उस चरवाहे की उम्र नहीं बढ़ी और उसे कभी पता नहीं चल पाया कि देवी सेलेने उसे कितना चाहती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को आज की कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए। नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। और प्लीज 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। मैं आप लोगों से मिलूंगी अगले हफ्ते एक और नई कहानी के साथ।